शरीर के तिल और मस्से को किस तरह से हम जड़ से खत्म करें, बहुत ही बढ़िया होम रेमेडी आज आपके लिए लेकर आई हूँ। आप आसानी से अपने स्किन टैग को या जो शरीर में काले काले तिल होते हैं, जो मोल होते हैं, उसे आप आसानी से हटा सकते हैं। आज मैं आपके लिए इस वीडियो में तीन अलग अलग तरह के उपाय लेकर आई हूँ, जो कि आपके मस्सों को सिकोड़ कर बिल्कुल ही छोटा कर देगा और धीरे से मस्से आपके टूट कर निकल जाएंगे। एक सप्ताह इस रेमेडी को लगा कर देखें। सारी नेचुरल चीज़ों का यहाँ इस्तेमाल कर रही हूँ ताकि आपको पहले बार में ही रिजल्ट मिल जाए। इन्हीं में से सबसे पहले मैंने लिया है दोस्तों हरा धनिया, कोरिएंडर लीफ। जो हरे धनिए की पत्तियां होती हैं, ये पोषक तत्वों से भरपूर होती हैं, ढेर सारे विटामिन और मिनरल होते हैं। हमारे स्किन के लिए हरे धनिए का रस बहुत फ़ायदेमंद होता है। इसी तरह से शरीर के तिल और मस्से को हटाने के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। यदि आपके चेहरे पर बारीक बारीक तिल है ना, रोज़ हरे धनिए का रस लगाइए एक सप्ताह तक। कैसे बनाना है देखिए। धनिए को डंडी सहित ही अच्छी तरह से पहले धो लीजिए, बारीक काट लीजिए, ग्राइंडिंग जार में डालकर अच्छी तरह से ग्राइंड कर लीजिए। अगर दो चार तिल है तो ठीक है कि चलिए आप उसके ऊपर लगा लें। कई लोगों को एक ही जगह पर बहुत सारे बारीक बारीक तिल होते हैं, इसमें आप क्या करिए, इस धनिए के पूरे पेस्ट को हल्का सा फैला लीजिए। जितनी देर रख सकते हैं, आधे घंटे रख सकते हैं तो आधे घंटे इसे लगा कर रखें। कोशिश करें लगा कर रखें, तभी रिजल्ट जल्दी मिलेगा। वैसे भी हमारे स्किन को हेल्दी बनाता है हरे धनिए का पेस्ट, उसका रस। ये थी मेरी रेमेडी नंबर वन। अगली रेमेडी जो लेकर आई हूँ, जो कि आपके मस्से पर तुरंत ही वर्क करेगी, उसके लिए लेना है खाने वाला चूना। इस चूने को मैं पान की दुकान से लेकर आई हूँ। किसी भी पान की दुकान में चूना आपको आसानी से मिल जाएगा, तो थोड़ा सा आप यहाँ पर चूना ले लीजिए और चूने को आपको लगाना है। चूना जो होता है, ये तेज़ी से मस्सों को सिकोड़ता है और मस्सों की जड़ों को कमज़ोर करता है। मस्से टूट कर गिर जाएंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा। इस चूने में मिलाना है आपको थोड़ा सा, आप चाहें तो इसमें दो बूंद नारियल का तेल मिला लें। कई लोगों को जब मस्से पर चूना लगाते हैं ना, तो हल्का सा सेंसेशन होता है, ऐसा लगता है हल्की सी चींटी ने काटा है। तो आप एक बूंद नारियल तेल लगाएं, चूने को कम से कम आधे घंटे आप लगा कर रखें। इसके बाद गीले कपड़े से पोंछ दें, तुरंत ही आपको इसका असर दिखाई देने लगेगा। जो तीसरी रेमेडी लेकर आई हूँ, उसमें हम यहाँ पर इस्तेमाल करने वाले हैं टूथपेस्ट का। टूथपेस्ट में दो बूंद आप डालिए कैस्टर ऑयल, अंडी का तेल बोलते हैं, ये भी हमारे मस्सों की जड़ों को टूथपेस्ट के साथ मिलकर बहुत ही तेज़ी से हटाने का काम करता है। सारी स्किन पर नहीं लगाना है, वीडियो को लास्ट तक देखिए, पूरे एप्लीकेशन ध्यान से देखिए कि कैसे लगाना है। टूथपेस्ट जो होता है दोस्तों, वाइट वाला लीजिए, जेल वाला नहीं लेना है। फोर्थ रेमेडी जो लेकर आई हूँ दोस्तों, उसमें आपको लेना है खाने वाला सोडा। इसे हम लोग मीठा सोडा कहते हैं, इसे सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहते हैं। सोडा ले लीजिए आप, बिल्कुल थोड़ा सा ही लेना है। मैं आपको यहाँ पर आधा चम्मच बनाकर दिखा रही हूँ, आपके तिल मस्सों के साइज़ के अनुसार ही आप इसकी क्वांटिटी लीजिए। सोडा लीजिए, इसमें डालिए दो ड्रॉप, यहाँ केवल पानी का डाला है। सोडा और पानी को अच्छे से मिक्स कर लीजिए, इसे भी मस्सों के ऊपर लगाएं। आसपास की त्वचा पर ना भी लगाएं तो चलेगा, मस्से के ऊपर लगाइए आप, तिल पर लगाइए। परंतु चूने को लगाने का एक सही तरीका और जान लीजिए। यदि पान के पत्तों की डंडियाँ आपको मिल जाएं, वैसे इस पान को ना मैं पान की दुकान से ही लाई हूँ, मात्र 10 रुपये में आ जाता है पान के ये पत्ते। ताज़े पत्तों का इस्तेमाल करें, जो बिल्कुल फ्रेश पत्ते होते हैं ना, बहुत अच्छे से उसका रस अगर मस्सों पर हम लगाते हैं, चूने और पान की डंडियों को गोल गोल घुमाते हुए आप मस्सों पर लगाइए। ध्यान से देखिए कितने सारे ये मस्से हैं, मस्से हो चाहे तिल हो, आप लगा के देखिए। जो रिजल्ट मिलेगा ना दोस्तों, वो आपको खुश कर देगा। मस्से ज़्यादातर काले रंग के होते हैं, भूरे और किसी किसी को थोड़े लाल रंग के भी होते हैं। तो काले भूरे लाल रंग के इन मस्सों को सिकोड़ने के लिए, इन्हें जड़ से हटाने के लिए मेरी कोई भी रेमेडी ट्राई कर सकते हैं। हल्का सा आपको लगेगा लगाने पर कि जलन हुई, चीटी काटी है, ऐसा लगेगा, कोई बात नहीं, मस्से सिकुड़ेंगे और अलग हट जाएंगे। कई बार हमारे तिल और मस्से ऐसी जगह होते हैं जिन्हें हम अपने कपड़ों से कवर नहीं कर पाते हैं, हमें बड़ा ख़राब लगता है कि कैसे इन्हें ढाकें। कभी कभी ऐसी जगह होते हैं कि हम कपड़ों से कवर कर लेते हैं, परंतु आपको भी ऐसी जगह है जहाँ पर आप कपड़ों से कवर नहीं कर पा रहे हैं, तो आप मेरी इस रेमेडी को ट्राई करें, रिजल्ट 100% आपको यहाँ पर मिलने वाला है।
एक तिल होता ना चेहरे पर तो हम उसे ब्यूटी स्पॉट कहते हैं, अरे वाह सुंदर है। एक से ज़्यादा तिल होता ना सुंदरता खराब कर देता है। तो किस तरह से मस्सों को जड़ से हटाना है दोस्तों, आज ये रेमेडी को ध्यान से देखिए। चूना लेना है आपको, खाने वाला चूना। पान की डंडी को गोल गोल घुमाएं। पान के पत्तों में, पान की डंडियों में कुछ ऐसे रस होते हैं दोस्तों जो कि हमारे मस्सों की जड़ों को कमज़ोर करते हैं जब वो चूने के साथ मिलते हैं। जब चूना और पान का रस आपस में मिलता है तो रिएक्ट करता है और तेज़ी से मस्सों को सिकोड़ कर उसकी जड़ को कमज़ोर करके मस्सों को हटाने में मदद करता है। कम से कम 15 मिनट आधा घंटा जब तक आप रख सकते हैं इसे लगा कर रखिए, तभी तो रिज़ल्ट मिलेगा। ऐसा नहीं लगाया और पोछ दिया ना तो रिज़ल्ट नहीं मिलेगा। तो लगा कर रखिए, फिर पोछिए आप, फिर इसका कमाल देखिएगा दोस्तों, इतनी तेज़ी से ये हटते हैं। तो आपको खाने वाला चूना लेना है, इस बात का ध्यान रखिए। दीवारों पे लगाने वाला नहीं लेना है, पान की दुकान से लाइए चूना और पान। आप देखिएगा जो रिज़ल्ट मिलेगा ना वो आपको खुश कर देगा। बिना पैसे खर्च किए हम आसानी से अपने इन मस्सों और इसकी समस्या, तिल की समस्या से छुटकारा पा सकते हैं। अब आपको इन मस्सों पर और तिल पर लगाना है, रात को सोते समय जरूर कैस्टर ऑयल लगाइए ताकि आपके यहाँ पर जो सिकुड़न आ गई है, मस्से सिकुड़ गए हैं धीरे धीरे, उनमें आपको थोड़ी भी चुभन या जलन ना होने पाए और नमी बनी रहे। धनिए का रस जो अगली रेमेडी बताई थी उसे भी जरूर लगाइए। तिल के लिए तो रामबाण नुस्खा है कोरिएंडर लीफ का पेस्ट। धनिए का रस लीजिए और मस्सों की जड़ों पर अच्छी तरह से लगाइए, थोड़ा थोड़ा लेते जाना है आपको और फिर आपको इसे लगाना है अच्छी तरह से। देखिए मैं भी इसे लगा रही हूँ ना, आपको भी बिल्कुल ऐसे ही लगाना है। इसे भी लगाकर आधा घंटा एक घंटे भी रख सकते हैं। कभी कभी धनिए का गाढ़ा पेस्ट लीजिए और ठीक मस्सों के ऊपर लगा दीजिए, स्किन के आसपास लगेगा तो भी चलेगा। देखिए ये है तिल, किसी किसी इंसान को एक ही जगह पर ढेर सारे तिल हो जाते हैं, उसे भी हटाने के लिए रोज़ हरे धनिए का रस लगाकर रखिए। अपना अनुभव जरूर शेयर करिएगा, आपको रिजल्ट 100% मिलने वाला है। वीडियो परिवार को पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा। शिखास किचन चैनल पर पहली बार आए हैं तो शिखास किचन चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट करके ज़रूर बताएँ आपकी वीडियो कैसा लगा।